भगवान श्री परशुराम के चरणों में और भगवान श्री राम का नमन करते हुए हम अपनी बात शुरू करेंगे। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि पवन पांडे जी ने बहुत ही ऐसा भाषण दिया है कि मुझे लग रहा था इसके बाद बोलने की जरूरत ही नहीं, इन्होंने तो सब कुछ है। और जितनी ऊर्जा इन्होंने भर दी है, उस ऊर्जा जो भर गई है वो पूरे इसमें प्रांगण में और यहां से लेके बाहर तक जो सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं उनके बीच में जो ऊर्जा इस समय आ गई है उसको हम धूमिल नहीं करना चाहते, लेकिन यहां पर आए हैं तो बात को कुछ ना कुछ रखनी पड़ेगी आपके सामने। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के हमारे सम्मानित पूर्व सांसद और कोऑर्डिनेटर श्री शंखवार जी, डॉक्टर ओपी त्रिपाठी जी यहां पर उपस्थित, पांडे जी जिन्होंने अभी अपना आपके सामने उद्बोधन किया है, उनके बगल में बैठे हुए हैं नकुल दुबे जी जो हमारी पार्टी के में एमएलए भी रहे और कई कई मंत्रालय उनको माननीय बहन जी ने दिए थे। उनके साथ में बैठे हैं श्री रितेश पांडे जी, नौजवान साथी आप सबके, और पवन पांडे जी के चहेते भतीजे जो कि हमारी पार्टी के लोकसभा में सांसद तो हैं ही, लेकिन इनको माननीय बहन जी ने इनको ऊपर इनको आशीर्वाद देते हुए इनको लोकसभा में जो इस देश का सबसे बड़ा जहां पर पार्लियामेंट का लोग बैठते हैं वहां का उनको उन्होंने लीडर बनाया और ये लीडर यहां पर उपस्थित सभी हमारे बुजुर्ग सम्मानित लोग साथी हम उम्र के और नौजवान हम उम्र में बहुत सारे लोग होंगे क्योंकि अब हम पवन पांडे जी की तरह नौजवान नहीं है, हम तो 70 साल के होने वाले हैं तो हमारी उम्र के भी बहुत से लोग यहां होंगे। मैं अपनी बातें रखने के पहले संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बहुजन समाज पार्टी के जो जन्मदाता हैं मानवर काशीराम जी उनको नमन करता हूं, क्योंकि अगर संविधान हमारे पास नहीं हो तो आज जो हम लोग इस समय उत्पीड़न हो रहा है और इस सरकार में और इसके पहले समाजवादी पार्टी में, तो जिसकी उत्पीड़न को लड़ने के लिए जो शक्तियां हम लोगों को मिली वो उसी संविधान से मिली है और वो संविधान देने के काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। मानवर काशीराम जी ने बहुत सी ऐसी चीजें सिखाई जो कि तब से लेकर आज तक वो उसके बहुत माने हैं और उसमें से एक चीज खास तौर से हम नहीं भूलते हैं और वो ये है कि हर व्यक्ति जिसने अपनी जहां भी जन्म लिया है, जिस गांव में जन्म लिया है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो सब समाज के साथ साथ में अपने समाज के बारे में भी सोच रहे और उस समाज को सोचने, उसको उठाने के लिए या उसको न्याय दिलाने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है? सबसे जरूरी चीज है सत्ता की चाबी। अगर चाबी हाथ में नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते और इसीलिए आज जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह सत्ता की चाबी का दुरुपयोग हो रहा है और दुरुपयोग किसके ऊपर हो रहा है, खास तौर से किसको टारगेट किया जा रहा है, किसको चिन्हित करके दुरुपयोग का इस्तेमाल हो रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है। यह सबको मालूम है कि आज के जमाने में जो जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वो समाजवादी पार्टी के बिल्कुल पद चिन्हों पर चल रही है, किस मामले में बिल्कुल कदम से कदम मिला करके चल रही है बल्कि उनसे कदम बढ़ा करके चल रही है और वो ये है कि दलितों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर खुल करके अत्याचार करना, उनको बेइज्जत करना, उनको जहां मौका मिले प्रताड़ित करना। और इस सरकार में तो खुलेआम जज भी खुद, कानून भी खुद,
सब कुछ अपने हाथ में लेकर के बस खाली इतना पूछ लेते हैं कि कौन सी जाति है, और जात अगर कहीं ब्राह्मण है तो वो रोको और ठोक दो गोली। ये चल रहा है। कितने किस्से बताए जाएंगे आप, जिस तरह से दलितों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से दलित भाई बहन उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से रेप हर 2 घंटे में महिलाओं का रेप उत्तर प्रदेश में। एक चीज में कहते हैं हम तो बड़ा विकास कर रहे हैं, हम तो जब जब देखिए कहते हैं मैंने तो इतने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूं विकास का। वो लाखों करोड़ रुपए कहां जा रहा है, विकास कर रहे हैं या विनाश कर रहे हैं? ऐसा प्रदेश आपने हमको दे दिया है जहां की एनसीआरबी की रिपोर्ट, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है उसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हर 2 घंटे में एक महिला का रेप होता है, हर 2 घंटे में एक महिला का रेप हो रहा है, हर दिन 20 बच्चियां उनके साथ दुराचार हो रहा है। क्या हम लोगों ने इसीलिए उत्तर प्रदेश में इनको सरकार दी थी? ब्राह्मण समाज कहते हैं कि ब्राह्मण समाज की वजह से हमारी सरकार बनी, क्योंकि ब्राह्मण समाज जिधर चला जाता है, ये तो खैर सही है कि ब्राह्मण समाज जिधर घूम जाएगा सरकार तो उसी की बनेगी। ये हम लोग देख भी चुके हैं 2007 में 17 वर्ष से उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं आई थी। 17 वर्ष बाद 2007 में पूर्ण बहुमत की जब सरकार आई तो क्यों आई? क्योंकि समूचे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज ने, हर जिले में मैं गया था, जैसे अब की बार मैंने अयोध्या से शुरू किया है, उस बार मैंने संगम से शुरू किया था कार्यक्रम अपना, लेकिन 2005 में 1 लाख 2 लाख 3 लाख नहीं 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग 9 जून 2005 को जब 48 डिग्री टेम्परेचर था तो लखनऊ के अम्बेडकर मैदान में इकट्ठा हुए थे। 11,000 ब्राह्मण समाज के लोगों ने शंखनाद के साथ में बहन मायावती जी का उस दिन स्वागत किया था वहां पर, और उस दिन बहन मायावती जी ने भी जब ब्राह्मण समाज को एकत्रित होते हुए देखा, इकट्ठा होते हुए देखा, और बहुजन समाज पार्टी के साथ में भाईचारा बनाने की जो हमने अपील की थी, हमने अपील की थी कि आप दलित समाज के साथ अपील बनाइए, दलित समाज के साथ में अपील बनाने का कई मकसद थे, एक नहीं खाली राजनीतिक मकसद नहीं था, लोग कहते हैं कि राजनीतिक मकसद था, दलित समाज के साथ भाईचारा बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि इस देश में, इस प्रदेश में जिस तरह से जातियों के नाम पे लोगों को बांटा जाता है उसको खत्म किया जाए और एक समरसता लाई जाए समाज में, और समरसता के साथ में जो ब्राह्मण समाज का कर्तव्य है, जो बचपन से हम लोगों को पढ़ाया गया बताया गया कि ब्राह्मण समाज का ये कर्तव्य है कि समाज के पहले बारे में पहले सोचो और फिर अपने बारे में सोचो, और समाज में जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको, उसका आप साथ दीजिए, उसको उठाने का काम करिए, उसके साथ में खड़े होइए। हमने इस अभियान को जब शुरू किया था 2005 में तो ब्राह्मण समाज के बीच में जब हम निकले हमको बहुत रोका गया, हमसे कहा गया कि कहां ये क्या करने जा रहे हैं आप, हमको राजनीतिक पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता, नाम नहीं लूंगा, हालांकि बाद में प्रधानमंत्री भी हुए, उन्होंने भी कहा कि ये क्या कर रहे, ये हमें समझ में नहीं आया कि क्या क्यों हमको क्या चीज रोकना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि आप कभी जरा देखिए तो, आप तो ठीक है वकालत में आप शीर्ष स्थान पे हैं थे और आप महाधिवक्ता भी रहे, चेयरमैन बार काउंसिल भी रहे, परिवार के बारे में भी सब लोग जानते हैं कि आपके पिताजी मुख्य न्यायाधीश रहे, गवर्नर रहे, आपके चाचा भी न्यायाधीश रहे, बड़े भाई भी न्यायाधीश, लेकिन ये सब चीजें अलग हैं, ये राजनीति है, और राजनीति में आप आ गए हैं, आपको बहन मायावती जी ले आई हैं, तो ये तो समझिए जरा सा कि ये ब्राह्मण समाज का ब्राह्मण का नाम नहीं लिया जाता। आपने किसी पार्टी को इतने वर्षों में सुना, हमसे पूछा गया कि मंच पे खड़े होकर के पीछे पार्टी का नाम लिखा हो और वो ब्राह्मण का नाम ले रहा हो, वो बोले सब नाम लिए जा सकते हैं ब्राह्मण का नाम नहीं लेते हैं। हमने कहा ऐसा भी क्या जुर्म किया ब्राह्मणों ने, ऐसी कौन सी गलती कर दी कि उनका नाम नहीं ले सकते? उन्होंने कहा नहीं, राजनीति में सोच समझ के चलना पड़ता, आप सबकी बात करिए, ब्राह्मणों की बात मंच से मत करिए। मैंने जब ये बातें सुनी जब शुरू करने वाले, तो हम अपनी नेता के पास गए,
हमने बहन मायावती जी जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री भी रहे, उनके पास गए। हमने कहा ऐसा ना हो कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए हमसे। हमने कहा कि हमको लोग मना कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये मत करिए, इससे तो आपका नुकसान होगा, आप पार्टी का नुकसान भी कर देंगे। तो हमने कहा कि आप बताइए कि क्या हम आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि पार्टी का क्या नुकसान होगा, नफा होगा, ये आप मेरे ऊपर छोड़िए और आप जाइए, जो आप करना चाहते हैं उसको जाके करिए, उसको हम देखेंगे। उसको उनकी इजाजत के बाद हम फिर निकले बाहर और ब्राह्मण समाज के बीच में गए। हमसे कहा गया कि आप तो उस पार्टी में आ गए हैं। किस पार्टी में आ गए? बोले आप पार्टी में आ गए हैं जिसमें तो मनुवाद की बात की जाती है, ये कहा जाता है, पता नहीं कौन से नारे और क्या क्या नारे लगाए जाते हैं। हमने कहा कि हम भी पढ़े लिखे हैं और अधिवक्ता हैं, लाखों लोगों के मुकदमे किए हैं और हम भी टेलीविजन अखबार देखते हैं, हमें तो कभी नहीं कोई ये नारा सुनाई दिया। खाली ये नारा किसने बनाया, क्यों बनाया और थोप दिया बीएसपी के ऊपर? 20 वर्षों से तो आज हम पार्टी के साथ में जुड़े हैं, आज तो 20 वर्ष हो गए हमको, इस बीच में हमने तो नहीं सुना कहीं पर कोई नारा देता हो। हाँ सुना है, सुना तब है जब हम ब्राह्मणों की बात करते हैं मंच से या हम मीडिया में करते हैं, तो जरूर एकदम से ब्राह्मण समाज के ही लोगों को या दूसरे समाज के लोगों को टेलीविजन में बैठा दिया जाता है थोक के भाव में, और बड़े बड़े नेता बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं अरे वो नारा याद करिए, और पूरा नारा दोहराते हैं। उनको नारा दोहराते समय एक सेकंड का भी दर्द नहीं होता है, और ये नहीं होता कि उनके मान सम्मान, किसके मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हो नारा दोहरा दोहरा के। जो नारा लिया नहीं गया, जो नारा है नहीं, जो 20 वर्षों से हम नहीं देख रहे हैं, उनको टेलीविजन में बैठ करके बोलने में बड़ा आनंद आता है। वो भी कौन से लोग जिनको कि किसको किससे बुलवाते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले इसका इस्तेमाल करते हैं फिर से ब्राह्मण समाज के लोग कौन से जो उनके साथ में गुलदस्ते की तरह बैठे हों या जो उनके पीछे हाथ पैर जोड़ रहे हो, जो मठ वालों के पैर छू रहे हो उनको पैर छूना चाहिए ब्राह्मणों के, वो वहां जाके जो छू रहे हो, तो वो ऐसे लोगों को बैठा करके कहते हैं गाली बको और ब्राह्मण के नाम पे गाली बको, तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस तरह के माहौल में 2005 में जब 9 जून 2005 को बहन मायावती जी को पूरे ब्राह्मण समाज ने उनका स्वागत किया, तो बहन मायावती जी ने जब हाथ में गणेश जी हमने जो दिए थे प्रतिमा उनको लेकर के उन्होंने जो पहला नारा दिया था वो नारा दिया था ब्रह्म विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्म विष्णु महेश है, इसे कह करके उन्होंने शुरुआत की। 2002 में उन्होंने 85 लड़ाया और 45 ब्राह्मण समाज के लोगों को विधानसभा में भेजा, और एक दो नहीं 15-15 उन्होंने मंत्रालय ब्राह्मण समाज के लोगों को दिया। रघु दुबे भी उन्हीं से हैं जो जीत के आए थे उस समय, और उन्होंने इतना ही नहीं 35 लोगों को मंत्री का दर्जा दिया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, चेयरमैन वगैरह बना के 1 दर्जन से ज्यादा 15 लोगों को MLC बनाया। डॉक्टर ओपी त्रिपाठी जी भी हमारे बीच में हैं, और MLC बना करके उन्होंने विधान परिषद में उसके अध्यक्ष भी जो है ब्राह्मण समाज का बना करके जो वादा किया था उन्होंने पूरा करने का काम किया। 2500 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के वकीलों को उत्तर प्रदेश में उन्होंने सरकारी वकील बनाने का काम किया, महाधिवक्ता बनाया, चीफ सेक्रेटरी बनाया, एडवोकेट जनरल के साथ साथ में उन्होंने एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया, DGP बना ब्राह्मण समाज, लॉ सेक्रेटरी ब्राह्मण समाज का बनाया। उन्होंने जहां जहां पर जो हो सकता था सब समाज को ध्यान में रखते हुए, जहां सब समाज का ख्याल रखा ब्राह्मण समाज को भी बढ़ चढ़ करके उन्होंने जितनी मेरी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा उन्होंने देने का काम किया। ब्राह्मण समाज जब इकट्ठा हो गया कोई रोक नहीं पाया पूर्व मोहम्मद की सरकार बनाने से, और अब की बार यही घबराहट है लोगों को कि ब्राह्मण समाज जिसको कि उन्होंने बाद में इधर उधर कहीं धर्म के नाम पे कहीं किसी और चीज के नाम पे उन्होंने इधर उधर करने का काम किया और उसके बाद सरकार बना ली, आज क्या हो रहा सरकार बनने के बाद वही ब्राह्मण समाज हाशिए पर पहुंच गया। आज 40 से ज्यादा लोग तो खाली कानपुर से जेल के अंदर ब्राह्मण समाज के लोग बंद हैं। एक नाबालिग लड़की खुशी 16 साल की, एक दिन पहले शादी हुई थी, 29 जून को शादी होती है, 30 जून को पहला दिन उसका और पहली तारीख को दूसरा दिन
दो तारीख को हादसा हो जाता है और उसको उठा ले गए। 5 दिन कहां लेके घूमते रहे पता ही नहीं। उसके बाद जाके जेल में बंद कर दिया। नाबालिग थी फिर भी बड़े वाले जांच बड़े लोग व्यस्त लोग रखते हैं वहां जेल में रख दिया और आज भी उसको जेल में इसलिए रखा हुआ है। एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया अधीक्षिका से जहां पर रिमांड होम है, कह दिया कि 2 कमरे का रिमांड होम है बाराबंकी में, खुद ही रिपोर्ट में लेकर 2 कमरे का रिमांड होम है, इसमें 48 लड़कियां रहती हैं, उनमें से एक खुशी भी दुबे भी है और वो धमकी देती है 47 लड़कियों को कि हम बाहर निकलेंगे तो हम समझ लो कौन है, हम तुम लोगों को ठीक कर देंगे। अरे वो तो खुद बाकी 47 भी अंदर हैं, उनको क्या वो ठीक कर देगी 16 साल की लड़की, और ये कह करके उसकी बेल रिजेक्ट करा। घर में काम करने वाली जो महिला थी उसको उठा ले गए और उसके बाद ले जाकर के उसकी 6 साल की बच्ची और 3 साल का बच्चा लड़का उसके साथ में जेल में बंद है। ये कौन सा न्याय है कि आप आंख बंद कर ली क्यों? क्योंकि ब्राह्मण समाज। आपने लखनऊ में खुलेआम गाड़ी रोकी, पूछा कौन हो, तिवारी, गोली मार दी। घर में अपने बूढ़े मां बाप को देखने आए थे, ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति था वो वहां पहुंचा और बीमार थे, वो देख रहे तब तक वहां आ गई पुलिस, उठा ले गई और चौराहे पे खड़ा करके एनकाउंटर कर दिया। अस्पताल में भर्ती और बीमार, वहां से उठा ले गए, ले जाके गोली मार दी। रायबरेली में घुस गए, 5-5 लोगों को एक साथ मार दिया, जलाने का काम भी किया। हम खुद गए थे वहां पर, झोपड़पट्टी जो छोटी छोटी झोपड़ी जितने हिस्सा ये इसमें 2 झोपड़ियां और उसको जलाने का भी काम कर दिया। कितने किस्से आप जानेंगे सुनेंगे, आपको सब मालूम, आपके इस क्षेत्र में ही आज हम अभी होके आए मीटिंग, पहली मीटिंग के बाद सुनील मिश्रा और अनिल मिश्रा के घर पे, बताइए पढ़े लिखे लोग वहां पर जो है आर्मी में काम भी करते थे और सब घर पर एक दूसरे जो बचे उन्होंने नौकरी छोड़ के घर पे आ गए हैं और दोनों को गोली मार दी गई। क्यों? क्योंकि वो जाति विशेष के थे, दूसरे भी जाति विशेष के थे, जाति विशेष इनकी ब्राह्मण थी और कोई, जबकि वो पहले गुहार लगा चुके थे अपने बारे में, कोई सुरक्षा नहीं। तो आज एक नहीं, चाहे आप झांसी ले लीजिए, चाहे इलाहाबाद ले लीजिए, चाहे रायबरेली ले लीजिए, चाहे गाजियाबाद नोएडा ले लीजिए, पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज जहां पर है तो उसको रोक करके या तो उसकी गाड़ी पलट जाती है, पहिया फिसलता है, गाड़ी पलट जाती है, वो निकलता है, उसके बाद एनकाउंटर हो जाता है। तो ये आज ब्राह्मण समाज के लोगों को इन बातों को समझना पड़ेगा। आप हैं कहां? आप चले तो गए उनकी तरफ, क्या मिला आपको? ये प्रश्न अपने आप से प्रदेश के ब्राह्मण समाज के लोगों को करना पड़ेगा। विप्र समाज, आज हम लोग यहां पर है, ब्राह्मण समाज तो कहा जाता है कि बुद्धिजीवी होता है, तो बुद्धिजीवी अगर है तो आपकी बुद्धि कहां गई, हमारी बुद्धि कहां गई? ऐसे समय में हमको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारी बुद्धि को चली गई। आप ब्राह्मण समाज के बुद्धिमान तो है ही है, वह उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ठीक से, उसको या तो हमने गिरवी कर दिया है ऐसे लोगों को, और या तो उसको जंग लगा के छोड़ दिया है। उसका जंग साफ करिए, उनसे वापस लीजिए, वापस लेकर के अपने पास फिर से अपनी बुद्धि को लेके आइए और उसको जब इस्तेमाल करेंगे तो चाणक्य को ध्यान में रख के करिएगा और भगवान श्री परशुराम को अपने मन में ध्यान रख करके तब उस बुद्धि का इस्तेमाल करिएगा। चाणक्य जब चाहते तो राजा बन जाते, नहीं बने। उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण समाज से जन्मे, हम उन लोगों में से हैं जो दीक्षा देने का काम करते हो, दीक्षा लेके दीक्षा देने का काम करते हैं, लेकिन हम समाज के लिए काम करते हैं, समाज की समरसता के लिए काम करते हैं, समाज को एकजुटता बनाने के लिए काम करते हैं, हम अपने स्वयं के लिए नहीं काम करते हैं। इसलिए ब्राह्मण समाज को ये मेरा आह्वान है कि आप जो है समूचे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज एक वो नहीं है, करोड़ों में है, 25 करोड़ की आबादी में 13.5% आप हैं। आप समझ लीजिए आप 3 करोड़ के ऊपर हैं, 3 करोड़ की संख्या होते हुए आज ब्राह्मण समाज अपनी इज्जत बचाने के लिए बचा रहा है, अपनी कोशिश कर रहा है कि हम अपनी इज्जत कैसे बचाएं।
अपनी जान कैसे बचाएं? या तो उनके हम पैर छुएं जो जिनको खुद छूना चाहिए, जो बैठे ठीक है, मटके होंगे, मठाधीश लोग होंगे, लेकिन अयोध्या में कब्जा करने पहुंच गए। अयोध्या में भगवान श्री राम के पास कब्जा करने, राम जन्मभूमि को ही कब्जा करने लगे। और इसका एहसास तो हमको पहले से हो रहा था, लेकिन अपनी स्वयं तो हमने परसों देख लिया जब अयोध्या गए। अयोध्या में से जाकर के हमने भगवान श्री राम के दर्शन किए, रामलला के, हनुमानगढ़ी गए, हनुमान जी के दर्शन किए। एक प्रश्नों की झड़ी लग गई। मीडिया में भी देखा होगा आप लोग, सबने देखा होगा पूरे दिन। और हमसे पूछा गया, आप राम यहां क्यों आए? आप रामलला क्यों आए? आप अयोध्या क्यों आए? अरे अयोध्या क्यों आए? अयोध्या क्या आपकी पकौटी है? या तो पट्टा दिखा दीजिए कि हमने तो अयोध्या का पट्टा पूरा और रामचंद्र जी का पट्टा अपने नाम पे ले लिया और अब यहां कोई और नहीं आ सकता। और खास तौर से ब्राह्मण समाज के आप यहां क्यों चले? अरे आप वहां से या तो सर्टिफिकेट लेके आइए मठ से, या कोई लाइसेंस, तो आप यहां आ जाइए, और या आप हमारे यहां आ जाइए, आप भी इसी में चले आइए। जैसे कुछ लोग चले जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, कुछ है हमारे जो लोग खाली यही देखते हैं कि कहां हमारा फायदा होने वाला है, किधर होने वाला है, छोड़ करके आज इधर से उधर, उधर से उधर। लेकिन हम उनमें से नहीं। हमने जिस हमें जो जिस परिवार में जन्म लिया है, हमें ये संस्कार नहीं मिले। हमें संस्कार मिले कि हम जिसके साथ, जिसने हम हमारा मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है और जिसकी वजह से मान सम्मान पूरे समाज का बढ़ाने का हमको मिला मौका, हम उसको छोड़ देंगे कभी? जितनी भी कोशिश कर लो, कर ली है, पहले भी कर लो, आगे भी कर लो, सतीश मिश्रा इस जन्म में कम से कम बहुजन समाज पार्टी में बहन मायावती जी के साथ रहेंगे, अगले जन्म का किसी नहीं देगा। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने उत्पात मचाया हुआ, जिस तरह से अयोध्या में जाके हमने देखा, हम तो समझ रहे थे अयोध्या तो बिल्कुल बदल गया होगा, अयोध्या तो सोने की लंका से भी ज्यादा अच्छा अयोध्या हो गया होगा। वहां पर जाकर के आप लोगों तो पड़ोस में आप लोग भी जरा घूमाइए और देखिए तो जाके उन सड़कों का क्या हाल है, उस अयोध्या का हाल क्या है। अयोध्या में कौन सी ऐसी चीज है जहां पर ये रोज अखबारों में, टीवी में एडवर्टाइज करते हैं, कहते हैं कि हमने आज 1,000 करोड़ खर्चा कर दिया, आज 25,000 करोड़ खर्चा कर दिए, आज अयोध्या का रूप बदल दिया। कहां बदल दिया? भगवान श्री राम की नींव तक तो ऊपर आई नहीं, मंदिर की नींव तक तो डाल नहीं पाए। लाखों करोड़ रुपया चंदा किया है उसके लिए, चंदे में क्या घपला हो रहा है सब देख रहे हैं, सबने अखबारों में पढ़ा। लेकिन कम घपला करो, तुम लोग इसमें होशियार भी हो, लेकिन कम से कम भगवान श्री राम के साथ में इतना बड़ा धोखा तो ना करो जिनके नाम पे ही तुम 24 घंटे ठेकेदारी कर रहे हो, वोट ले रहे हो, सबके साथ करो। कहीं एक तो घर छोड़ो जिस घर में बाद में जाना है, एंट्री नहीं मिलेगी इन लोगों वहां पर, वहां पर बही खाता लिखा जाता है। जब हम छोटे थे तब तो अब पता नहीं आते नहीं, इतना बड़ा कैलेंडर हम लोगों के घर में लगा था, उसमें लिखा रहता था ये तवा है, इसमें जलाए जा रहे हैं, ये हो रहा है, इनके कांटे लग रहे हैं, इनके फलाना, इस तरह की चीजें तस्वीरें थी उसमें सब। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, हम लोगों के माता पिता दिखाते तो हम लोग वो बताते थे कि अगर ये करोगे तो ये झेलना पड़ेगा। अब लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, अगर उल्टा करोगे तो सुख मिलेगा। अरे देर है, अंधेर कहीं नहीं। और इनको ये मालूम होना चाहिए, भगवान श्री राम की बात करते हैं, हम लोग तो ब्राह्मण समाज के, हम भी हैं, आप लोग सभी, और ब्राह्मण समाज हम तो कम से कम सुबह पहले उठते हैं, जो हमको संस्कार डाले गए हैं कि उठो, पहले स्नान करो, उसके बाद जाके भगवान की पूजा करो और ध्यान करो। हम लोग बचपन से, जब से उपनयन संस्कार हुआ तब से गायत्री मंत्र रोज पढ़ना जरूरी है, हनुमान चालीसा पढ़ना जरूरी, दुर्गा पाठ करना जरूरी, ये सारी चीजें बचपन से। लेकिन इसका हम लोग बैठ करके ये थोड़ी कहना है, कहते हैं कि हम ये पब्लिक में इस तरह की बात महामंत्र पढ़ रहे हैं या ये कर रहे हैं या भगवान का नाम लेकर के, और हमारे जो करना है वो हमें जो सिखाया गया वो तो हम करेंगे।
तो हम नहीं जा सकते वहां पर, और ये जा सकते हैं खाली, और हम भगवान श्री राम के दर्शन नहीं कर सकते जिनके हम रोज सुबह उठ के दर्शन करते हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि भगवान श्री परशुराम, जिनके कि हम लोग वंशज हैं, आप सब लोग हैं ब्राह्मण समाज के लोग, वो कौन थे, वो किसके अवतार थे? ये तो सबको मालूम है भगवान विष्णु के अवतार, और भगवान परशुराम और हनुमान बलि, हनुमान जी, ये दो लोग जो हैं ये हमेशा हमेशा थे और रहेंगे, ये लोग आज भी हैं, जहां भी हैं है। तो ये लोग तो मौजूद हैं, और ये किसके अवतार हैं? भगवान श्री विष्णु के। रामचंद्र जी कौन थे? रामचंद्र जी विष्णु स्वयं। तो जिनके हम लोग जिनके अवतार, जिनके हम लोग वंशज हैं, वो उनके अवतार हैं। तुम बंटवारा कर रहे हो, तुम दिखा रहे हो नहीं 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 ये तुम लोग यहां नहीं आ सकते ब्राह्मण के लोग। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप इनसे एक प्रश्न और जरूर ब्राह्मण समाज के लोग करना चाहिए, मुझे जो कि मुझे अभी तक उत्तर नहीं मिल पाया, हो सकता है आप लोगों के पास हो, आप लोग उनको बता सकते हैं कि भगवान श्री राम सीता मैया के बगैर कभी नहीं, चाहे वो कहीं रही तब भी सीता सीता राम ही होता। हम लोग बचपन से एक दूसरे जब मिलते हैं सीता, जय सीता राम, सीता जी का नाम पहले, राम जी का नाम बाद। लेकिन पता नहीं इस पार्टी को क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को, ये खाली भगवान राम का नाम ले, भगवान तो कहीं नहीं कहते हैं, वो राम का ही नाम लेते हैं, और सीता जी को भूल चुके हैं, सीता जी का कोई नाम नहीं लेते, क्योंकि अगर नाम लेते तो ये उनके बारे में भी सोचते कि अयोध्या के साथ साथ में बिठूर में भी कुछ करना चाहिए। हम लोगों की जब सरकार आई, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आई, तो पहला काम हम लोगों ने किया कि बिठूर गए, हम खुद गए बिठूर, और बिठूर जाकर के हमने आकर के अपनी पार्टी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी से कहा कि बिठूर वो स्थान है जहां सीता मैया रही जाके इतने वर्षों तक, जहां लव कुश रहे, जहां वाल्मीकि आश्रम, और जो दयनीय दशा हमने देखी है, चाहे सीता रसोई हो, चाहे वाल्मीकि आश्रम हो, और चाहे पूरा क्षेत्र हो, वो उनके सामने बयान किया। उन्होंने हमसे सिर्फ इतना कहा कि जाइए उसको जो करना हो जितना करना हो लगाइए, पैसे की चिंता मत करिएगा, और लगभग 200 करोड़ के ऊपर से जाके लगा के समग्र विकास हमने किया था हमारा, क्योंकि हम सीता मैया को भी ध्यान में रखते हैं, हम लोग भगवान श्री कृष्ण का भी ध्यान रखते हैं, हम लोग वहां पर भी गए, हमारे वो भी हाथ, हमने मथुरा में वृंदावन में सबको मालूम है कि वहां पर हमने जाकर के लगभग 550 करोड़ खर्च करके वहां पूरे वृंदावन का समग्र विकास किया था। वहां की जो परिक्रमा की 13 किलोमीटर परिक्रमा, वो पूरी परिक्रमा बनवाई, उसको ठीक किया, सीवर लाइन नहीं थी वहां पर, वो सीवर लाइन डलवाने का काम किया, पूरे वृंदावन में सीवर लाइन नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, उसको करने का काम किया, कच्ची पक्की सड़क हर तरह की बनाई, उसके बाद वहां पर विधवा आश्रम बनवाए दो, वहां पर हमने अस्पताल ऐसा बनाया, बहन मायावती जी ने कहा कि सबसे बड़े अस्पताल होना चाहिए, तो अस्पताल जो आज भी जितने भी अस्पताल है उनमें से सबसे अच्छे में गिनती वृंदावन के अस्पताल की आती है। बस अड्डा बनाया, मेला कराया, वहां पर जितने चीजें हो सकती थी, बिजली का घर बनवाया, बिजली घर बनवाया, बत्ती खाली आधे घंटे के लिए आती थी, पूरा बिजली घर का वहां बना। हम लोग कहते नहीं करते ज्यादा, बहन मायावती जी विश्वास रखती है कि जहां पर जो करना चाहिए कर। हमने बनारस में जाकर के सारे घाट वाराणसी में ठीक कराए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वहां का 200 करोड़ खर्च करके हम लोगों ने बनवाने का काम किया, वो खाली दिखाने का काम होता है। अयोध्या में एक प्रोग्राम हो जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी का, 200 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं दिखाने के लिए, 200 करोड़ रुपए अगर अयोध्या के शहर में लग जाए पूरा शहर बदल जाए। अच्छी बात यह है भगवान श्री राम की कृपा से कि उन्होंने हमको वहां बुलवाया, और हमने वहां पर यह अपने भाषण में कह दिया बाद में आकर के कि हमने तो वहां पर हमसे पुजारी जी ने कहा कि कुछ तो मांग लीजिए, हमने मांग लिया अपने मन में, फिर पूछा कि हमने सोचा कि बता भी दे क्या मांगा, तो हमने अपने मन से कहा था कि जब वहां पर मांगा हमने तो यही मांगा कि हे प्रभु इनको जो इस सरकार में बैठे हैं इनको सद्बुद्धि दे दो, और
खुशखबरी ये है कि परसों हम लोग वहां बोले थे, परसों हम गए, परसों ब्राह्मण समाज के लोग जिस तरह से इकट्ठा हुआ, जिस तरह से हुंकार दिया, जिस तरह से शंखनाद किया और ये बता दिया, आगाज दे दिया कि अब की बार 2005 से ज्यादा तेजी से ब्राह्मण समाज पूरे प्रदेश में जुड़ेगा, तो उसका नतीजा ये निकला कि अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके आज मुख्यमंत्री जी अयोध्या में गलियों में घूम रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, पुजारियों के पास जा रहे हैं। वो बात दूसरी है कि एक तरफ अंदर अंदर क्या निर्देश दिए गए हैं कि गुरु पूर्णिमा जब कल थी, कहा गया कि सारे मंदिरों में हमारे लोग जाएं, और मंदिरों में किसके जाएं, मंदिरों को देखें जो अच्छे अच्छे मंदिर हैं, जिसमें कि कई मंदिर इन्होंने अपने कब्जे में कर लिए हैं सरकार ने, जिनको छुड़वाने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन कह रहे जो अभी बच गए अच्छे अच्छे मंदिर, वहां जाके देखो, आके खबर दो, उन पर भी हम कब्जा कर लें। तो इस नियत से, लेकिन कम से कम इतना तो हुआ कि उनको मजबूरन अपने लोगों को भेजना पड़ रहा कि जाके टेलीविजन वालों को साथ में ले जाइए, लेकिन अखबार वालों को पैर छुइए तो फोटो खिंचवाइए। पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, उनसे कहा गया इससे काम नहीं चलेगा, आप जाइए जल्दी से, परसों जो सतीश मिश्रा पता नहीं क्या कराए हैं अयोध्या में, अब इसको जल्दी से संभालना है, और जाकर के जाइए लोगों के चरण धोइए, ब्राह्मणों समाज के लोगों के, और चरण धो करके फोटो खिंचवाते हुए चरण धोइए और उनके बैठ भी मजबूर तो हुए। आज जो है जो समाजवादी पार्टी, अभी हम आ रहे थे देखा चल रहा था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने 5 ब्राह्मण बुलाए अपनी पार्टी के पुराने, जिनको बेइज्जत करके पहले भगा दिया, उनको वापस बुलाया कि बंद कमरे में चर्चा हो रही कैसे कैसे संभाला जाए, ये ब्राह्मणों की बात हो गई अब कैसे संभाला जाए। हमें तो इसी बात का खुशी है, गर्व है कि कम से कम हमारे इस कार्यक्रम से निकलने से कम पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे विरोधी पार्टियों के अंदर जो ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हैं, जो अपना बाहर का रास्ता देख रहे थे मंत्रिमंडल से, जिनको मालूम था कि अभी मंत्रिमंडल बदला जाएगा और उसमें से लिस्ट में 3 ब्राह्मण समाज के लोग निकाले जाने वाले थे, वो अब सुरक्षित हो जाएंगे। और हो सकता है 1-2 आपको और उसमें मिल भी जाए कि इनको भी बना दो मंत्रालय, वो कोई थे इस तरह का जिसका कोई नाम नहीं किसी ने सुना है, जैसे कि समाजवादी पार्टी में ये था कि ब्राह्मणों को कुछ तो देना पड़ेगा मंत्रालय, तो उनका कौन सा मंत्रालय दिया जाए सबसे वैसा बताइए, तो उनका खेलकूद, तो बोले खेलकूद में तो फिर एक मंत्रालय, फिर हमको तो 2 लोगों को देना है, तो बोले इस मंत्रालय को तोड़ दीजिए, एक खेल मंत्रालय एक कूद मंत्रालय दे दीजिए इसको। तो इस तरह की सोच रखते हैं ये लोग आप लोगों के बारे में, और हमें अब जरूरत है कि खाली हम अपने अंदर ललक न लगाएं और हम अपने समाज के हर व्यक्ति के पास जाएं और उनसे जाके मिलें। खाली आप लोग उनमें से, ब्राह्मण समाज वो समाज है कि वो एक साथ जब बैठता, अकेले भी बैठा होता है तो 10 को वो समझा लेता है, 10 को समझाने का काम करता है और अपनी बात सही ढंग से रखने का काम करता है। आप लोगों के बीच में जाने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है, एक साथ एकत्रित होने की जरूरत है, और वो दाग अपने ऊपर से हटाने की जरूरत है जो हम लोगों के ऊपर लगा दिया जाता है। अरे तो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ये तो कभी इकट्ठा हो ही नहीं सकते, इनसे मत डरो, ये तो जो भी ऊपर आने लगेगा उसकी टांग घसीट लेंगे, फिर अपना आने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये कभी कभी एक साथ नहीं हो सकते, इसको भी हटाना होगा। आपको अपने आप में एकजुटता लानी पड़ेगी, तभी आप जो हमने कहा 3 करोड़ के ऊपर हैं उसकी पहचान होगी, वरना कैसे पहचान होगी। आप 3 करोड़ 13% इकट्ठा हो जाएंगे तभी हो पाएंगे जब अपने बीच का भेदभाव हटाएंगे। हम लोगों के तरह तरह के बंटवारे होते हैं, वो हटाने पड़ेंगे, पहले भी हमने इसका आह्वान किया, लोन हटाया। आपको ये भूलना पड़ेगा कि हम 20 विश्वा ब्राह्मण हैं, हम 16 विश्वा ब्राह्मण हैं, हम 14 विश्वा ब्राह्मण हैं, 12 विश्वा हैं, हम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, और हम तो सनाट्य ब्राह्मण हैं, और ये सरजूपारी ब्राह्मण हैं। इस चीजों को छोड़ करके आपको अपने आप को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज के नाम से जानने की जरूरत है। अपने को आप ब्राह्मण समझिए,
हमने अपनी अपनी लड़की का विवाह बस्ती में सरलू पारी से किया, क्योंकि हम कानपुर से, सबको मालूम है, पूरे प्रदेश वालों कानपुर से ब्राह्मण 20 विश्वा के हम गए अपना हुआ, हमने कहा नहीं, हम जब खुद ये कह रहे खत्म होना चाहिए, तो जब मुझे मौका मिले तो पहला काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। अब हमारे मान ने पूरा पूर्वांचल हो गया, आज हम पूरे पूर्वांचल को अपना मान्य मानते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और ये ध्यान रखते हुए कि प्रदेश में जब बहन मायावती जी थी तो उन्होंने ब्राह्मण समाज के साथ साथ सब समाज को क्या क्या दिया, किस तरह का विकास उन्होंने पूरे प्रदेश में गांव गांव में किया, किस तरीके से उन्होंने यहां पर गुंडागर्दी खत्म की थी, किस तरह से यहां पर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित थी। आज 2 घंटे में एक रेप होता है, एक भी हो जाता था पूरा उत्तर प्रदेश हिल जाता था। हमारा खुद के मंत्री, खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कानून को अपने हाथ में लिया था, 17 दिन हुए थे सरकार बने हुए, घर में बुला करके उनको जेल के अंदर भेजा था और 5 साल तक जेल में रखा, तब कानून चलता है। ये नहीं कि ये हमारी जात के या ये हमारा है, ये तो ब्राह्मण नहीं है तो इसको छोड़ दो, ये तो अपना वाला है, ये नहीं चलता। कानून के सामने जो मुजरिम है वो मुजरिम है, वो कोई भी हो, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए, तब वो कानून को चलाने का काम कर पाई थी। और पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में आज भी उनके नाम का डंका पिटता है और विदेशों में भी पिटता है कि अगर आयरन लेडी कहा जाता है तो इसीलिए कहा जाता है कि कानून द्वारा कानून का राज चलाना सिर्फ बहन मायावती जी द्वारा। इसलिए जिस तरह से आज जब से केंद्र में भी इनकी सरकार हो गई, उत्तर प्रदेश में भी सरकार हो गई, नौजवान किस तरह से परेशान हो रहा है, किस तरह से अराजकता फैल रही है, बेरोजगार हो गए लोग, हमारे नौजवान के लोग जो नौकरी में थे वो बेरोजगार हो गए, जो नौकरी पाने की लाइन में लगे थे पढ़ पढ़ के PhD करके, वो भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा। कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, देना तो दूर रहा, उसी तरीके से कि जैसे कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपया पहुंच जाएगा, उसको जुमला कहा था, यहां 2 करोड़ लोगों के की नौकरियां लेने का काम हो चुका है, हर साल ली जा रही है, उनकी जा रही है, क्योंकि सब प्राइवेटाइज कर दिया, सब ठेकेदारी में, ना दलितों को मिलेगा ना सवर्णों को मिलेगा, सिर्फ मिलेगा उनको जो उनके ठेकेदार हैं और जो उनके चमचे हैं उनको ही मिलेगा। तो इस तरह की सरकार जो चला रहा हो, इस तरह की सोच, जहां पर कि पढ़े लिखे रोजगारों से कहा जाता है कि आप अपना रोजगार करिए, और कहा गया कि देखिए अपने बड़े पीठी ठोक के कहते हैं 1 लाख लोगों को रोजगार के माध्यम से नौकरी दे दी, कौन सा दे दिया, जब पूछा गया कहते हैं पकौड़ा बेच रहे हैं, हमने तो कहा था पकौड़ा बेचिए, ये भी अपने आप में एक रोजगार है, PhD का लड़का पकौड़ा बेच रहा, वो कहते हैं आप पकौड़ा बेचिए उसमें हम आपकी मदद करेंगे, पकौड़ा लोगों को अगर अच्छा कहीं नहीं लग रहा हो तो चाट का ठेला लगा लीजिए। अब ये सलाह आज के नौजवानों को जो साइंटिस्ट बनना चाहिए, जिनको ऊपर कहां कहां जाना चाहिए, स्पेस पे जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, उनसे कहा जा रहा है कि आप पकौड़ा बेचिए, पकौड़ा बेचना कोई खराब चीज नहीं होती, लेकिन किससे कह रहे हो, जिसने पूरा जीवन उनके माता पिता ने अपनी पूरी पूंजी लगा करके उसको पढ़ाया कि इसको हम यहां पहुंचाने का काम करेंगे और ये पढ़ के देश का नाम ऊंचा करेगा, तो आपने कह दिया कि आप ये करिए। तो इसलिए इन लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है और एकत्रित होने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है, एक साथ होने की जरूरत है, और ये मान लेना चाहिए कि अब हम डरेंगे नहीं, हम कोई गलत काम नहीं करना है, हम अपनी बात रखते हैं, हम लोग आप भी अपनी बात रखेंगे लोगों के बीच में, लेकिन लोगों से कहिए कि परशुराम जी के आप वंशज हैं, इसलिए आप आगे बढ़िए और बगैर डरे और निडर होकर के आप सामना करने का काम अपनी छाप अपने दिमाग के साथ, ये नहीं कि कोई हमने कह रहे हैं कि आप लौड़ने का काम कर दीजिए कि तलवार निकाल ली फरसा निकाल लिया, आपके पास आपका फरसा आपकी तलवार आपका दिमाग है, उसका इस्तेमाल करिए, उसके आगे कोई नहीं आपके आपको आपके आगे आ सकता है, अगर आपने उसका सही इस्तेमाल कर लिया तो उसका इस्तेमाल करके
अब सही रास्ते में प्रदेश को लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। अपनी बात को खत्म करने के पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि हमारे भाई पवन पांडे जी ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही और उन्होंने कहा मैं इस सब बातों को जरूर कही, मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ उनके, कुछ बातें उन्होंने नहीं बताई वो भी जानता हूँ। स्कूल हैं, कॉलेज हैं, लॉ पढ़ा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हर तरीके से पढ़े लिखे इंसान बना रहे हैं, लेकिन पकौड़ा बेचने के लिए नहीं बना रहे हैं। वो बात दूसरी की वो सरकार कह रही है कि जो आप पढ़ा रहे हैं जिनको उनसे पकौड़ा भिजवाइएगा आगे चल के। लेकिन पवन पांडे जी ने साथ में ये भी कह दिया कि हम तो आपके चहेते नहीं रह पाए, आपके चहेते नहीं हुए, ये मेरे समझ में आरोप नहीं है। मैं इनके साथ में पूरे सुल्तानपुर में गाड़ी में बैठ के घूमता रहा, इनके लिए वोट मांगता रहा, इनको चुनाव लड़वाता रहा, और ये सब इतनी जल्दी भूल गए? ऐसा भी क्या? और इन्होंने अपने भतीजे को, चहेते भतीजे को हम लोगों के सुपुर्द किया, आज वो कहां पर है आप ही बताइए। आज देश की सबसे बड़ी संसद जो है वहां पर वो झंडा लहरा रहे हैं, आपके परिवार के नाम को रोशन कर रहे हैं, हम लोगों का नाम भी रोशन कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज का भी नाम रोशन कर रहे हैं, पार्टी का नाम भी रोशन कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि भाई पवन पांडे जी यहां से जाने के बाद फिर से विचार करेंगे और विचार करके अपनी बारे में अब इस बात को सोचेंगे कि इसके बारे में अब उनकी क्या सोच है, और हम इनसे बाद में पूछ लेंगे, आप लोग भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपके बीच में इनको रहना है। आपके आपने देखी क्या कितने जुझारू व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप कभी भी अजमा सकते हैं, हम लोग कर चुके हैं, इसलिए कह रहे हैं व्यक्तिगत मालूम है। और ये आपका फोन पहुंच बढ़ जाए तो ये आपके लिए हर तरीके से तन मन धन सबसे खड़ो गया। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो समाज में तो समाज के प्रेमी हो ही जाएंगे। और आज जिस तरीके से हमने तो सिर्फ दो दिन पहले ये सब बातें इन्होंने नहीं बताई, हमने इनको दो दिन पहले दिल्ली से पार्लियामेंट से फोन करके इनसे कहा था कि हम चाहते हैं कि हम आपके अकबरपुर में आए, हम अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या में हम अपना कार्यक्रम पहला करेंगे, उसके बाद हम चाहते हैं कि दूसरा कार्यक्रम हम आप ही क्या करें, आपके जिले में करें। और हमने इनसे एक बार नहीं तीन चार बार फोन में बात की। एक बार तो ये वृंदावन में पूजा में बैठे थे, जब वहां से हटे तो उन्होंने तुरंत हमको फोन किया, हमारी इनकी बात हुई। पर हमने इनसे कह जरूर दिया था, हम तो एक कार्यक्रम हमारा जो आज सुबह वाला था वो तय था, ये कार्यक्रम तय नहीं था। पर हमें पता नहीं क्या, हमने सोचा कि इनको फोन करें और इनसे पूछे क्या तीन दिन में आप कार्यक्रम करवाओ। इन्होंने कहा कि तीन दिन में छोड़िए, मैं अयोध्या भी आऊंगा और आपका यहाँ का कार्यक्रम आप खुद देख लीजिएगा। ये अयोध्या भी गए, अयोध्या लोगों के साथ भी गए, वहां पर भी हमारे साथ रहे, योगदान दिया पूरा। और मैं इनसे कहता कहता थक गया, मैंने परसों कहा अब आप जाइए वापस, आपका कार्यक्रम है, जब तक कार्यक्रम खत्म नहीं हो गया तब तक ये वहां रुके रहे, उसके बाद यहाँ पर आए। आज जो पहला कार्यक्रम था वहां भी पहुंच गए, मुझे फिर ताज्जुब हुआ। हमने कहा कि आप क्या दूसरा प्रोग्राम अपना खराब करना चाहते, क्या ऐसा तो नहीं कैंसिल हो गया? हमें अपने लोगों के ऊपर इतना भरोसा है कि हमने खाली संदेशा भेजा है और एक संदेशे में आप को अपने आप मालूम पड़ जाएगा जब आप वहां जाएंगे कि हम क्यों इतने आराम से घूम रहे हैं। कोई मीटिंग कोई करता है 50 लोगों की तो उसको कई दिनों से टेंशन रहता है, परेशान रहता है, कैसे होगा क्या होगा। ये उनमें से उन व्यक्तियों से दुर्लभ व्यक्तियों में से है कि अयोध्या में आराम से बैठे रहे, आज सुबह की मीटिंग में बैठे रहे, कल रात की मीटिंग में, कार्य करने और करवाने की क्षमता रखते हो ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। इसी सब बातों के साथ में, क्योंकि मैंने आपको ऐसे भी बहुत समय ले लिया और इस मौसम में आपको इतनी देर तक बैठना पड़ा, खास तौर से जो हमारे साथी लोग बाहर खड़े हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं सोच रहा था कि वो कैसे मेरी बात सुनेंगे। जब मैंने पवन पांडे जी से उतरते समय कहा कि इन लोग कैसे सुनेंगे, वो कहा कि इन्होंने हमारा रास्ता बदल दिया, यहाँ से उधर से ले गया।
और यहाँ पर हमारे छोटे भाई नितेश पांडे जी सब बोल रहे थे, हम लोगों ने 2 मिनट खड़े होकर के उनका भाषण भी सुना। इन्होंने कहा देखिए आप सुन सकते हैं तो ये लोग भी सुन सकते हैं, और उन सब लोगों को मैं खास तौर से बधाई देता हूँ जो बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं, जो अंदर हॉल में नहीं आ पाए कोरोना की वजह से। कोरोना का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है और हम लोगों को अभी उसको बहुत गंभीरता से लेकर के बैठना है, रहना है। तो इन सब बातों को करते कहते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय परशुराम, जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।